अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, ये है कुछ एक्सेसरीज़ एप्पल वॉच सीरीज़ 4 की और आज हम सबकी अनबॉक्सिंग करेंगे। अच्छा, मुझे बड़े अच्छे से लोग कह रहे थे कि आपने जो एप्पल 4 लिया है, एप्पल वॉच 4 जो मैंने ली है, तो उसी कुछ चीज़ों की अनबॉक्सिंग, कुछ एक्सेसरीज़ की अनबॉक्सिंग मैं करूँ। अब यू ऑल नो के जो एप्पल के ओरिजिनल साथ जो आता है, व्हाट यू कॉल दोज, क्या कहते हैं इनको, स्ट्रैप्स, वो एक स्ट्रैप तकरीबन $50 का सस्ते वाला होता है, जो चेन के और लेदर वाले होते हैं वो इजीली दे कैन गो अप टू $100, और 5,000 वाला जो है आपका यहाँ पर 9,000-9,500 रुपये का पाकिस्तान में मिलता है ये सिंपल वाला। तो आई गॉट फ्यू एक्सेसरीज मैंने एप्पल वॉच की, मैं इस लैंग्वेज में थोड़ा उर्दू भी बोल रहा हूँ एंड आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश ऑल्सो, सो दैट आई हैव टू मेक डोंट नॉट हैव टू मेक टू वीडियोज, क्योंकि आई हैड फ्यू पीपल हु आस्क मी टू अनबॉक्स फ्यू एक्सेसरीज फॉर एप्पल आई वॉच 4 फ्रॉम हु डू नॉट स्पीक उर्दू। तो ये उर्दू अंग्रेजी मिला के मैं बोलूँगा ताकि ये हमारी और दोनों लोगों को थोड़ा बहुत समझ आ जाए। तो ये कुछ मेरा सामान था जो मैं इकट्ठा आपको दिखा रहा हूँ, अब इनको मैं साइड पे कर रहा हूँ, मैं एक करके आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये डेफिनेटली ये वीडियो बड़ी हो जाएगी थोड़ी सी, तो सबसे पहले जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, वो एक चार्जिंग मल्टी फंक्शनल चार्जिंग स्टैंड है, ज़्यादा महंगा नहीं है ये भी तकरीबन 2,500 रुपये तक का है। सारी चीज़ें जो मैं आपको दिखाऊंगा, चूँकि ये जो है आफ्टर मार्केट हैं, तो ये सारी ऑल ऑफ देम आर अराउंड अबाउट तकरीबन सारी की सारी जो है ना 2,000 से कम की है चीज़ें, हर चीज़ जो इंडिविजुअल चीज़ है 2,000 रुपये से कम है। इक्का दुक्का कोई है जो ये 2,400 का था मेरे ख्याल में, बाकी एक आध स्ट्रैप है जो थोड़ा महंगा था, बाकी सारी चीज़ें आर विदिन 2,000 रुपीज़, विच कम्स टू अबाउट आई डोंट नो मे $20 के आसपास हैं। तो सबसे पहले ये मेरे पास चार्जिंग स्टैंड, यहाँ खोल के आपको दिखाया था हूँ, इसको मैं थोड़ा मरम्मत करना पड़ेगा, मगर मरम्मत सॉरी असेंबल करना पड़ेगा, मगर यू कैन गेट द आइडिया। ये इसका स्टैंड है, ये वहाँ यहाँ पर लगने वाला, इसको आप यहाँ लगाएंगे, ऐसे करके स्टैंड लग जाएगा, ये मैं फिक्स कर दूंगा तो पूरा। और ये आप देख सकते हैं ये सी पावर कॉर्ड है, और ये चार्जर जो है इसमें आप अपना जो आईपैड आईपॉड मिनी जो हैं वो रख सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे आप अपनी फ़ोन जो आपका फ़ोन के साथ आता है ओरिजिनल चार्जिंग जो केबल है वो आप यहाँ लगा लें इसके अंदर ना, यहाँ पे इसके अंदर फिक्स हो जाती है वो, और आप इसके अंदर लगा रहे हो तो यहाँ पे अपना फ़ोन चार्ज होता रहेगा, सॉरी घड़ी चार्ज होती रहेगी, और यहाँ पर अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। और फ़ोन चार्ज करने का ये है, इसमें तीनों मुँह हैं, यू हैव एन आईफोन लाइटिंग अडैप्टर, यू हैव इधर कर लेंगे तो ये आपका USB-C है, और ये आप यहाँ कर लेंगे तो आपको माइक्रो USB है, तो उसमें तीनों वो लग जाते हैं बीच में। तो इसके साथ इसमें ये वो था थोड़ा सा अडैप्टर था, ऐसा बन के ये नज़र आएगा आपको कि यहाँ पे आपका जो जाहिर सी बात है, इसमें अगर आपने आईफोन एप्पल वॉच को अपना चार्ज करना है तो उसका जो आपका वो जो है वो यहाँ लगाना पड़ेगा, इसके पीछे आप लगा लें, वो उसकी तार अलग होगी, बाकी सारे का जो करंट जो है ना वो ये देता है, तो एक डॉक्टर साहब उसको लगा देंगे तो ये लग जाएगा। तो ये पहली एक्सेसरी थी इसकी, इसको मैं हिटा लूँ ताकि मैं उसको खट्टा ही जोड़ूंगा तो संभल करूँगा तो बेहतर है। अभी सब कुछ हम वापस आ जाते हैं, बल्कि अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसकी अलग वीडियो बना दूंगा आपको बना के, ठीक है ना, क्योंकि ये डिज़र्व समथिंग मोर। मेरे पास आईपॉड्स भी हैं, एयरपॉड्स जैसे कहते हैं, सॉरी एयरपॉड्स भी हैं और वो भी हैं। तो सेकेंड थिंग जो है ये मैंने इस तरह के मंगाए तीन, तो ये हैं बेसिकली उसके स्मार्ट वॉच के जिसका जो एप्पल स्मार्ट वॉच होता है इसके ऊपर लगाने वाला कवर है। अब टू मेक इट मोर इजी मैं ये इसका उतार देता हूँ, ओरिजिनल स्ट्रैप जो था वो हम इसका उतार ही देते हैं ताकि मैं वीडियो बनाने में समझ गया, मैंने बाकी स्ट्रैप भी इसमें लगा के दिखाऊंगा दुखा आपको। तो ये जस्ट टेक दिस ऑफ, वॉच को सीधा रख लेते हैं, यू कैन सी इट्स द एप्पल वॉच सीरीज 4। तो ये मैं एक ही आपको अनबॉक्स करके दिखाऊंगा, सारे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वैसे मैं रंग डिफरेंट है मेरे सरों में, बाकी और तो सब कुछ एक जैसा ही है, तो मुख्तलिफ रंगों में है। ये वाला है आई थिंक दिस इज गोल्ड, ठीक है ना, तो वी कैन ओपन इट फ्रॉम ओवर हियर।
ये आप देख सकते हैं, ये इसका वो है केस, सिलिकॉन है केस, टीपीओ कह सकते हैं, नॉट सिलिकॉन, जस्ट स्लाइड इट इन देयर। थोड़ी सी लड़ाई करनी पड़ती है, थोड़ा सा इसको लड़ना पड़ता है, मगर लाइक दिस। ये मैं सर इसको साफ़ कर दूँ थोड़ा सा कुछ खाने को, सो यू कैन, ये इस तरह इसके ऊपर आ जाएगा, और ये आने के बाद यू कैन सी किसके सारे जहाँ पे आपने बटन दबाना है और जो आपने वो अपने लगानी है बीच में। बल्कि अब मैं अगर उसमें जो हमने उसके उतारे हुए पेंट हैं वही ला के दिखा दूँगा आपको। तो ये पैन यहाँ पे इस्तेमाल करके स्लाइड करके लग गया, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, हम क्या कर रहे हैं ये देखें। ओके, सो ये बैंड लग गया बीच में, और यू कैन सी कि ये इसका गोल्डन कलर का है, बेसिकली गोल्डन ज़्यादा बेहतर लगता है गोल्डन के साथ ही, मगर मैंने चलो ब्लैक के साथ भी बुरा नहीं लग रहा ये, और ब्लैक एलुमिनियम के साथ यू कैन सी कि आपके साथ इसमें लग के, एंड यू कैन वेयर द वॉच लाइक दिस, और डेफिनेटली ए डिफरेंट लुक आ जाती है वॉच में अगर आप पहन के ये देखें ऐसे, तो एक डिफरेंट लुक आ रही है इसके ऊपर, ठीक है ना। तो एक ये था, इस तरह मैंने जो दो लिए हैं बाकी के, जो बाकी दो लिए हुए हैं, ये सिल्वर, ये जो है इस वन सिल्वर इस तरह का है, और ये वाला जो है ना ये टोटल ब्लैक है, ये हमने दो और लिए हुए हैं। तो एक ये एक्सेसरी इसकी थी जो कि मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, इनको चढ़ाना थोड़ा मुश्किल था तो, मगर वो आपने करना इसको इस तरह डालना है, आपने ऐसे डाल के फिर इसके ऊपर खींचना पड़ेगा, और उतारने के लिए आसानी है, उतारने का तो बड़ा मुश्किल नहीं है, जस्ट किसी एक कोने को पड़ के आप करना शुरू कर। हाँ, इस थोड़ा ये शक पड़ता है कि इसको चढ़ाने चढ़ाने में हमें स्क्रैच पड़ जाएंगे हमारे घड़ी पे, थोड़ा टाइट होता है, इट्स सपोज टू बी टाइट, ठीक है ना। तो ये हमारी पहली वो थी। अच्छा, दूसरी हमारे पास ऐसे थी, वो है इसके अंदर इसी घड़ी की एक और बैंड है, बड़ा अच्छा बैंड है, ऐसे मैग्नेटिक बैंड है ये वाला, अगर आप उनका लें एप्पल वालों का लेते हैं ये वाला बैंड, तो ये वाला तकरीबन $100 के करीब है, मगर ये आफ्टर मार्केट है तकरीबन, ये मेरे ख्याल में 2400 रुपये का था, 2500 रुपये का। ऐसे मैग्नेटिक टैप, मैग्नेटिक लेदर बैंड, ये आप देख सकते हैं इसमें पकड़ लेता है, अगर आप इसको इंसर्ट करना है आपने, ये आपने लगाया इधर, ये आपने इसको लगाया इधर, एंड इट्स रेडी टू वेयर। तो बल्कि मैं ये घड़ी उतार देता हूँ अपनी, ये आपको दिखाता हूँ, तो हमें स्ट्रैप करना है, तो इसको स्ट्रैप को मैंने ऐसा उल्टा लगा दिया, और यू गेट द पिक्चर कि आप इसको स्ट्रैप लगा देंगे, और ये फिर इस तरह, बल्कि मैं तो सही करके लगाऊँ, हाँ ये मैंने आप इसको सही करके लगा लिया, तो यू कैन उसको जो अपने घड़ी को पहनना है, तो ये आपकी स्ट्रैप है, इसको ढीला करेंगे यहाँ से ऐसे करके, यू पुट ऑन द वॉच ओवर हेयर, और ये अपने स्ट्रैप को खींचें आप, जितना टाइट करना है आपने टाइट करके, जस्ट यू लेट गो ओवर हेयर लाइक दिस। तो ये मैग्नेटेड है बीच में, और यू कैन आपका सारा वॉच वगैरह अगर आपने चलानी है बीच में, तो ताकि वॉच चल रही, बैटरी इसमें नहीं है मेरे वॉच में वीडियो बनाते हुए, मगर जस्ट मैं बताने को आपको कि इस तरह का बैच। तो वीलनेस, अब कब जो है ना अगले बैंड की तरफ चलते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट एक्सेसरी है वो सिंपल, जैसे इसकी जो ओरिजिनल नायलॉन की, जो नायलॉन का पहले नॉर्मल आया करता था बैंड, उस तरह का है ये, और नाइकी वाला बैंड है ये, मुझे सब एक्सप्लेनेटरी बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी है उस तरह का है, सिंपल ऐसा लगना होता है लगा के, और इस तरह का बैंड है। तो दिस वाज़ द 42 मिलीमीटर, हाँ ये बता दूँ आपको कि जो पिछले ग्रुप की जो 42 मिलीमीटर की जो स्ट्रैप्स हैं, जो आपका iWatch 3 के साथ मिल रहे हैं या 2 के साथ जो अवेलेबल थे, वो उसमें आराम से फिट आते हैं। तो आप ही देख सकें 42 मिलीमीटर iWatch 3 लिखा हुआ है, मगर उसमें पूरा फिट रहेगा। सो दिस वॉज सिंपल जो है आपका नाइकी वालों का नायलॉन बैंड है। अगला जो मेरे पास है वो भी एक और ऐसे इसी का ही है, ये रेड कलर में है बैंड, अगेन 42 एंड 44 मिलीमीटर, दोनों पे आराम से चल जाता, लग जाता बीच में, एंड दिस इज़ रेड एंड ब्लैक बैंड, ठीक है ना, विद दैट सिम क्लिप ऑन, वही नायलॉन बैंड की तरह का है ये बिल्कुल। अगला बैंड चीज़ मैंने आपको दिखानी है वो ये लेदर, स्पेशल लेदर बैंड है, ये थोड़ा महंगा था, ये भी 42 एंड 44 मिलीमीटर है। तो
ज़्यादातर बैंड ही हैं जो उसकी ज़्यादा एक्सेसरी आई है, वो कोई ख़ास चीज़ें नहीं आई हैं इसके साथ, बैंड हैं और जो स्क्रीन प्रोटेक्टर जो है ना उसके बहुत फजूल आए हैं अभी तो, अभी जब कोई अच्छा आएगा तो मैं वो करूँगा। यू कैन सी दिस इज़ द रेड लेदर बैंड्स, और इसको जो हम लगाएंगे इसमें कोई सिंपल तरीका है, जस्ट स्लाइड इट इन एंड दिस एक्चुअली गिव्स इट अ वेरी गुड लुक। अगर आप इसको देखें ना, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। यह अभी घड़ी बिल्कुल जैसे लेदर की, लेदर स्ट्रैप वाली घड़ी होती है। यू कैन जस्ट मैं यहाँ कर लूँ पहले, बाकी मैं आपको पहन के दिखाता हूँ खुद ही अपने पास ही, ताकि आपको नज़र आ जाए कि अच्छी कैसी लग रही है कि नहीं लग रही मेरे हाथ पे। तो दिस इज नथिंग, दिस इज लेदर बैंड जो होता है, आम घड़ियों का होता है, उस तरह का लेदर बैंड है। और ये आप देख सकते हैं कि मैं लेदर बैंड को एक्सचेंज कर लिया, तो इट लुक्स वेरी गुड। तो ये इसका लेदर बैंड था, ये तो ये भी महंगा था, ये तकरीबन 2200-2300 रुपये था। ये कुछ चीज़ें थी जो 2000 से ऊपर हुआ, सारी 2000 के अंडर ही हैं। तो दिस इज़ अ लेदर बैंड फॉर द एप्पल वॉच सीरीज 4। अब मैं आपको अगले की तरफ लेके जाता हूँ। अच्छा, अगले जो दो बैंड हैं वो आपके वो सिंपली जो आपके नए आए थे नायलॉन लेदर बैंड, जो मेरा ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल नायलॉन बैंड जो होते हैं स्पोर्ट्स बैंड, ये ओरिजिनल जो साथ था आया था उसके, उस तरह के ही हैं। मैंने कहा था कि अब ये जाहिर सी बात है दिमाग में खाएं, अब दिस वन इज़ फ्रॉम द एप्पल स्टोर, ये तकरीबन $5,000 का होता है, तो यहाँ पे तकरीबन 7 से लेकर 9,000 के बीच में मिलता है। दिस वन आई गॉट फॉर 800 रुपीज़, एग्जैक्टली द सेम थिंग मैं आपको दिखाया था, वही रंग है, वही सब कुछ है। अगर मैं आपको यहाँ खोल के आपके सामने डाल रहा हूँ तो किसी को पता भी नहीं चलना कि कौन सा महंगे वाला है कौन सा, और अगर मैंने मिक्सअप कर दिया तो मुझे भी नहीं पता चलना कौन सा महंगे वाला कौन सस्ते वाला। तो दिस वन 800-900 रुपये का था, एंड यू कैन सी इट्स एग्जैक्टली द सेम। ये ज़्यादातर नया पहना हुआ है मैंने, ये ब्रांड न्यू है, ये मैंने पहना हुआ है, एग्जैक्टली सेम कलर है ये, और ये आपको बिल्कुल उस तरह का ये बैंड जैसे जैसे ये है उसी तरह का बैंड है ये, ठीक है ना। थोड़ा सा कलर डिफरेंस करिए, थोड़ा सा मैंने पर्पल और ब्लू की साइड से मंगाया था, थोड़ा सा डिफरेंस हो, ये रेड है, रेड एंड ब्लैक है, दूसरा है, और एक ये मैंने उसी तरह का ये ब्लू में मंगाया था। दिस इज द एग्जैक्ट काइंड ऑफ नायलॉन बैंड जो जो वैसे अगर मैं खुद दूंगा तो 9,000 रुपये का मिलेगा, और ये मुझे 5,500-8,800-9,900 रुपये में, आप जो रंग मंगा सकते हैं, पिंक और जितने बहुत सारे रंग हैं इनके पास। द नेक्स्ट बैंड आई हैव जो मेरे पास है ये है वो मेलनीज लूप है, जिसे आप मैग्नेटिक लूप कहते हैं। ये भी मेरे ख्याल में 2400 रुपये का था, मेटेलिक होते हैं, थोड़े महंगे होते हैं। तो दिस इज़ द मेलनीज लूप, क्या आपने देखा होगा मेरे उसमें भी मैंने पहना होता है अक्सर अपने जो मेरा वो फ़ोन है गैलेक्सी का जो फ्रंटियर गैलेक्सी प्लस है, तो इसमें भी आप इसको ऐसे लगाएं, ये स्क्रैप यहाँ लग गया। जब आपने घड़ी पहननी है तो यू जस्ट वेयर द घड़ी लाइक दिस, आपने घड़ी को यूँ किया इसको करके, और ये मैग्नेटिक यहाँ चिपक जाएगा, जितना टाइट करना है आपने वहाँ से हिलेगा नहीं, आपने इसको टाइट करना है यहाँ पर कर दें, और दिस इज़ द मेलनीज लूप, ठीक है ना। ये भी बहुत सारे कलरों में मिलता है, मैंने ब्लैक लिया है क्योंकि बाकी गोल्डन में भी है, रेड में भी है, टू टोन भी हैं, सिल्वर भी हैं, हर तरह का रंग मिल जाएगा आपको। मगर ये मैंने जो मेलनीज लूप है इसका, ये मैंने लिया है तकरीबन 2400 रुपये का, और अगर मैंने ये मेलनीज लूप एप्पल ओरिजिनल लिया हुआ होता तो ये तकरीबन 15-16,000 रुपये का था। तो दिस इज़ द अमाउंट ऑफ डिफरेंस दो दो मिनट में। किसी को अपने घड़ी सही होनी चाहिए, बाकी आपने जो भी पहना हुआ होगा तो यू नो मोस्ट ऑफ पीपल नो दैट दिस इज़ कॉस्ट अराउंड अबाउट आई थिंक इट्स अबाउट $90-$100 एंड पाकिस्तान में ये आपको तकरीबन 20-25-15-20 तक जाएगा ये बीच में 150-150 से मल्टीप्लाई करें तो। सो आफ्टर मार्केट आई गॉट दिस फॉर अबाउट $25, 2500 रुपये का। तो दिस वॉज अनदर ऑफ द बैंड्स। अच्छा, आगे जो हमारे पास बैंड है वो एग्जाम्पल जिस तरह वो जो ब्लैक पहले इसका नायलॉन स्ट्रैप का साथ आया करता था ब्लैक रंग का, जो 2 और 3 और C3 के साथ स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स बैंड था नायलॉन का, ये बहुत सही मैंने वो लिया है तो पुराने की याद ताज़ा रखने को। तो ये एक सिंपल उस तरह का बैंड है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इट्स अ बैंड, बट दिस कॉस्ट अबाउट $50 इन द एप्पल स्टोर एंड आई गॉट दिस फॉर अराउंड अबाउट मेरे ख्याल में 800-900 रुपये का, लेस देन $8। सो दिस इज़ अ थिंग। तो अब अगले इधर चलते हैं। अच्छा, ये अगेन दिस इज़ द लेदर, सॉरी दिस इज़ द मेन स्टील। अब घड़ियाँ जो होती हैं बीच में जैसे नॉर्मल घड़ियाँ होती हैं,
ये स्टील बैंड है इसका। इसका ये मसला होगा आपको कि अगर आपने इसको छोटा बड़ा करना है, ये टाइट नहीं होता, छोटा बड़ा करने के भी हैव टू हैव दैट, वो जो नहीं होता सुई वाला जो टूल होता है, ताकि सुई खोल के, यहाँ से हमने ये पेंच खोल के इसको छोटा करना है, या आप लिंग निकालेंगे तो छोटा होगा, वैसे एडजस्टेबल नहीं है ये, या फिर आपको घड़ी वाले के पास जाना पड़ेगा, 10-15 रुपये 20 रुपये में 25 रुपये में इसको एडजस्ट कर देगा आपका। तो ये लोहे का इसके साथ करने का, ये ज़्यादा सिल्वर वाली घड़ी में अच्छा लगेगा, ब्लैक में ये मैंने ये रंग लिया क्योंकि मैंने ब्लैक सारी चीज़ें हो रही थी, तो दिस वॉज अनदर एक्सेसरी, ये मैं इसको लगाना नहीं चाह रहा, टाइम ज़ाया हो रहा है, वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। तो अब अगला जो मेन जो आखिरी है मेरे पास, अब ज़्यादातर ब्रांड ही थे, मगर आखिरी चीज़ जो है वो ये है, दिस इज़ द हार्ड कोर प्लास्टिक TPU केस फॉर द वो। अब आपको पता है ये फ़ोन आप गिरते भी हैं, सॉरी फ़ोन नहीं, घड़ी गिरती भी है, सॉरी प्रोटेक्शन चाहिए इसके ऊपर। अब उसके ऊपर वो टेम्पर ग्लास कुछ आते हैं, मगर वो मज़े सेट नहीं होते उसके ऊपर टेम्पर ग्लास ना, तो ये प्लास्टिक का TPU सेमी हार्ड केस है, आवाज़ सुन सकते हैं, और ये क्लिप ऑन है, ये इसके ऊपर करें और ये क्लिप करके, और ये आपके फ़ोन को स्क्रैचेस से बचाने के लिए, यू कैन सी के ऑल ऑफ द पोर्ट्स कैन बी एक्सेस्ड, ये आपकी स्ट्रैप की ट्रेज हैं, बटन आपका यहाँ पे है, ये आपका स्पीकर है, ये आपका वो है क्राउन, ये आपके स्पीकर यहाँ पे हैं, सॉरी ये आपका माइक है, एवरीथिंग इज टोटली एक्सेसिबल, और ये एक ऊपर कवर है इसके ऊपर, एंड एडवेंचुअली इट डज गेट स्क्रैच अलॉट, तो ये आपको बहुत सारे लेने पड़ेंगे, मैंने 3-4 मंगाए हैं मैंने। तो ये कुछ चीज़ें थी मेरी जो मैंने इसकी, जो अपने आईफोन आई एप्पल आई वॉच के लिए मैंने जो चीज़ें मंगाई थी ये वो हैं, मेजॉरिटी स्ट्रैप्स हैं, मगर फ्यू गुड थिंग्स लाइक द TPU कवर्स एंड द TPU कवर आई पुट ऑन राइट नाउ, और चेन केसेस मैग्नेटिक वंस, द मेलनीज मैग्नेटिक वन, द डुप्लीकेट नायलॉन वंस जो $9,000 वर्सेस 9,000 रुपीज़ वर्सेस 900 रुपीज़, सिंपल नायलॉन वंस एंड द फोन चार्जर एंड लास्ट सिंपल ही फॉर, इसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा आपकी, ठीक है, ताकि इसमें मैंने ईयरपॉड्स एंड आपके फ़ोन और सब कुछ लगा के दिखाऊंगा, बीच में मैं सेटअप करूँगा। तो दिस वॉज अ मैसिव वीडियो अनबॉक्सिंग ऑफ फ्यू एक्सेसरीज फॉर माई एप्पल आई वॉच सीरीज 4। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर, देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, अपना बहुत ध्यान रखिएगा, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।